करबला की ज़मीन इंसान को ये दर्स देती है कि याद मौत इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। जितना इंसान खुदा के करीब होगा उतनी लज्जत है ये आखिरत से मालामाल होगा। और आखिरत बनी ही इंसान के लिए, जन्नत हमने देखी नहीं है लेकिन जन्नत की लज्जतों का जिक्र खुदा सूरे अर्रहमान में करता है। फरमाया अगर मौत के सख्तियों से बचना चाहते हो हर नमाज के बाद चंद आयतें कुरान की पढ़ा कर। दूसरा मासूम फरमाते हैं बिलअखस माह रजब में अगर मौत की सख्तियों से बचना चाहते हो चंद रोज़े माह रजब के रख लिया कर। तीसरा फरमाते हैं अगर मौत की तकलीफ़ से बचना चाहते हो तो अपनी माँ से अपने बाप से सिले रहम किया करो। किसी ने कहा मौलाना शर्म आती है माँ के हाथ को बोसा देते हुए, तो ये जुमला याद करो मासूम का। फरमाते जब गुनाह करते हुए शर्म नहीं आई नेकियां करते हुए कैसी शर्म, मरने के बाद पछताओगे, इस माँ के जाने के बाद पछताओगे, इस बाप के जाने के बाद पछताओगे कि जब तक नेमतें थीं तुमने उस नेमत से कोई फ़ायदा नहीं लिया। रसूल जवान के सराहने पर बैठे ना, सुनाया शायद का तलकीन पढ़ लेकिन नहीं पढ़ रहा था, का कलमा पढ़ गोया जबानों पर किसी ने सी दिया इसकी जबान को कि एक जुमला इसकी जबान से नहीं निकल रहा। नबी ने उस कमरे में निगाह डाली खातून पे, कहा आपका क्या रिश्ता इस जवान से। कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं इसकी माँ हूं। कहा बेटे से नाराज हो। कहते या रसूल अल्लाह 3 साल गुजर गए ये मुझसे जफा करता रहा, राजी नहीं हूं मैं इससे। फरमाया माँ ये वक्त नहीं है नाराजगी का, मैं नबी कह रहा हूं कलमा पढ़ नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि तू माँ इससे नाराज है। कहा अब राजी हो जा इससे ताकि ये कलमा पढ़ ले। माँ ने कहा रसूल तेरी रजा के लिए खुदा की रजा के लिए मैंने इससे रजामंदी जाहिर की। यहां कहना था उस जवान की जबां खुली और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नेमतें घरों में हैं जिनसे हम फायदा नहीं लेते। बंदा बहुत दूर की सोचता है उमरा कर लूं इमाम हुसैन की ज्यारत कर लूं, अरे ये ज्यारतें तेरे घर में हैं, ये नेमतें तेरे घर में हैं, क्यों फायदा नहीं लेता, इतनी दूर का क्यों सोचता है। ये तौफीक हासिल करेगा तो बड़ी तौफीक मिलेगी। तमन्ना है कि इमाम जमाना के हाथों को बोसा दूं, तो पहले माँ के हाथ को तो बोसा दे, तेरे बाप के हाथ को तो बोसा दे, फिर उस शफीक बाप का हाथ तुझे नसीब होगा जिसकी तू तमन्ना कर रहे। काबे को देखना इबादत, आलिम को देखना इबादत, माँ बाप को देखना इबादत है। कितने लम्हे हमारी नस्लें ये इबादत हासिल करती हैं, कितने घंटे तू मोबाइल देखता है टीवी देखता है, आधा घंटा माँ को देख ले, एक घंटा माँ बाप को देख ले। घर बंदा मस्जिद बना सकता है, इबादत बना सकता है, घर को ज्यारतगाह बना सकता है। ये सारी नेमतें हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं लेकिन हम इन नेमतों से महरूम हैं। खुदा सखी भी है, खुदा करीम भी है। सखी मांगने पे देता है, करीम न मांगने पर भी अता करता है। क्या ये करम इलाही नहीं कि तुझे मजलिसे हुसैन में बुलाया। दुनिया वालों की आंखें खुश्क हैं, क्या ये करम खुदा नहीं कि उसने तुझे जिक्र हुसैन और मुसीबत हुसैन के आंसू अता किए हैं। वल्लाह अगर दुनिया में 100 इंसान हो, उन 100 इंसानों में अगर 5 के दिल नरम हैं वह अहले बैत के चाहने वाले हैं, क्योंकि दिलों की नरमी का सबब आंसू हैं। जिक्र हुसैन दिल को सख्त होने ही नहीं देता। 6 दिन बंदे ने गुनाह किए फिर किसी मजलिस में जाके हुसैन दिल को नरम कर देता है। पूरा साल बंदे ने गुनाह किए फिर मुहर्रम के 2 महीनों में बुला के इंसान के दिलों को नरम कर देता है। ये आब हयात जो खुदा ने आपको दिया है, का फिर भी अगर दिल की नरमी चाहते हो दुआए कुमेल पढ़ो, फिर भी दिल की नरमी चाहते हो दुआए नुदबा पढ़ो, मुनाजात अमीरुल मोमिनीन पढ़ो, और ज्यादा दिल को नरम करना चाहते हो हर रात अंधेरों में उठ के नमाज शब पढ़ो, क्योंकि नरम दिलों में खुदा रहता है और इन्हीं दिलों पे मारिफत के चश्मे जाहिर होते हैं। खुदा का शुक्र करें यह नेमत खुदा ने अहले बैत के चाहने वालों को दी है। वदहकू कलीला वबकू कसीरा, कम हंसा करो ज़्यादा रोया करो। ज़्यादा हंसना कह कहे लगाना दिल की सख्ती का बायस, लेकिन गिरिया करना दिल की नरमी का बायस। चेहरे पे तबस्सुम का होना भी इबादत है।
चेहरों का मुरझाया हुआ होना भी बुरी बात है, मोमिन हशाश और बशाश होता है, लेकिन जब अल्लाह के इबादत पे आता है तो इसका दिल वजूद खुदा के इश्क की गर्मी में आकर ये पिघल जाता है, नर्म हो जाता है। और वह ख़ुद कहता है अम्मा युजीबुल मुज़तर इज़ादा व यक्षफुसु, ऐ टूटे हुए दिलों की आवाज़ सुनने वाले, ऐ फरियाद करने वालों की आवाज़ सुनने वाले। ये जुमले मासूमीन के हैं, वल्लाह इससे बड़ी नेमत नहीं हो सकती। हर बहाने से वो बुलाता है और हमारे दिलों को नर्म करता है, और दिल की नरमी ही इस्तिजाबत दुआ की निशानी है। अर्ज़ किया कि वो करीम है। रब्ते मुसीबत के लिए वाक़ हमेशा पढ़ता हूँ कि एक मौला का आशिक, आशिक इमाम हुसैन, वल्लाह मैंने ऐसे मोमिनीन भी देखे हैं करबला का जिक्र आता है रोना शुरू हो जाते हैं। एक कश्मीर का मोमिन था, आंसू उसके आंखों से ऐसे बह रहे थे जैसे बारिश हो। वजह यह थी उस बेचारे का वीज़ा नहीं लगा और करबला जा नहीं सका। क्या मौलाना, ये ज़िंदगी का पहला साल है कि मैं करबला नहीं गया, पता नहीं इमाम हुसैन मुझसे नाराज़ हैं। ऐसे रो रहा था जैसे वाकई कोई आशिक रोता है, जैसे वो किसी बहुत बड़ी ज़ियारत से महरूम हो गया हो, जैसे उसके वजूद में एक बहुत बड़ी कमी और खला पैदा हो गया हो। इसी तरह एक मौला का आशिक था, गरीब भी था बीमार भी था, बदन में ताकत नहीं, चल भी नहीं सकता था। इसे पता चला कि मसलन मेरे मोहल्ले के लोग करबला जा रहे हैं अरबईन के लिए, तो दौड़ा दौड़ा घर का दरवाज़ा खोला, उन बसों में जिनमें मोमिनीन चढ़ के जा रहे थे बस को देखने लगा, रोने लगा। कहाँ जा रहे हो? मेरे हुसैन की ज़ियारत के लिए। कहाँ जा रहे हो? मेरे अब्बास की ज़ियारत के लिए। रोने लगा। बर्दाश्त न हुआ इससे, घर आया, मुसल्ला बिछा के इसने दो रकत नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ी, खूब रोया। कहने लगा मौला मैंने सुना था आप अहले बैत करीम हैं। करीम का मतलब जो किसी को नेमत से महरूम न करें, मतलब मैं नेमत ले सकता हूं मुझे महरूम न करें, महरूम करे तो वो करीम नहीं, वो रुकावटों को हटा के बंदे को नेमत दे। का मौला एक बात समझ नहीं आती, आप करीम हैं तो क्या सिर्फ अमीरों को बुलाओगे? आप करीम हो तो क्या सिर्फ सेहतमंदों को बुलाओगे? मौला मैं गरीब हूं तो मैंने क्या बिगाड़ा? मैं बीमार हूं तो क्या मुझे नहीं बुलाओगे? कहते बहुत रोया, रोने के बाद सजदे में इसे नींद आ गई, ख्वाब के आलम में हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत नसीब हुई। इमाम ने फरमाया कि वो मेरी जरी को देखेंगे, तू हुसैन के चेहरे को देख रहा है, वो मेरी जरी की ज़ियारत करेंगे। न कहना कि हम करीम नहीं हैं, करीम न होता ख्वाब में तुझे अपनी ज़ियारत न कराता, ये ताना न दिया कर। फरमाया वो अभी निकले हैं करबला पहुंचे नहीं, हुसैन खुद तेरे ख्वाब में आया है। ये न कहा करो कि हम करीम नहीं हैं। शर्मिंदा हुआ, का मौला माफी चाहता हूं, मेरी नीयत ये नहीं थी, लेकिन मौला अगर गुर्बत की वजह से, बीमारी की वजह से करबला न आ सका और मर गया, क्या मुनकिरो नकीर नहीं कहेंगे हुसैन के इश्क के दावे करता था, एक ज़ियारत का सवाब लेकर नहीं आया, तू कैसा आशिक हुसैन है? मौला इसलिए शिकायत कर रहा था। इमाम ने फरमाया अगर आ सको करबला तो जिंदगी में एक बार भी जरूर आना, क्योंकि मरने के बाद जब सवाब को देखोगे तो पछताओगे। आगा इस्फहानी या गुलपायगानी जब बेटे के ख्वाब में आए, का बाबा अगर एक दिन दुनिया में पलटाया जाए कौन सा काम करोगे? नमाज पढ़ोगे? रोज़ा रखोगे? कौन सा जिक्र करोगे? बरतरीन जो काम है क्या क्या करोगे दुनिया में? कब मेरे लाल इमाम रज़ा की ज़ियारत को जाऊंगा। बाबा वो क्यों? फरमाया मरने के बाद पता चला इसका अज्र कितना है। अगर मैं एक मरतबा मौला रज़ा की ज़ियारत के लिए गया, हर ज़ियारत के बदले में तीन मरतबा मुझसे मिलने के लिए आए, मैं तुझे नहीं बता सकता इस मुलाकात का सुरूर क्या है। कहा जिंदगी में एक बार भी मेरी ज़ियारत करना ज़रूर। कहने लगा मौला वही तो कह रहा हूँ, गरीब हूँ नहीं आ पा रहा, बीमार हूँ नहीं आ पा रहा, कोई लेकर आने वाला नहीं। इमाम ने कहा कि फिर हम करीम कैसे हुए?
करीम का मतलब जो किसी को किसी नेमत से महरूम न करे। तेरी गुर्बत महरूम करेगी, तेरा बदन का बीमार होना क्या तुझे इस नेमत से महरूम करेगा? कहा मौला फिर क्या करूं, नहीं आ पा रहा। कहा हम करीम हैं, मैं हुसैन कह रहा हूं, आ सको तो आओ, लेकिन सारी तमन्नाओं के बाद भी न आ सको तो हम करीम हैं। फरमाया खुलूस से दिल से मुझ हुसैन को सलाम किया करो। हम कहेंगे कि लिखें तेरे नाम आमाल में, खुदा तुझे ज्यारत हुसैन का सवाब अता करे। का इतना आसान है मौला, इतना आसान है सवाब ज्यारत का। फरमाया एक छोटी सी निशानी है, अगर वो तेरे अंदर हो तो समझना सवाब ज्यारत मिल चुका। मौला कौन सी निशानी? का जब मुझ गरीब को सलाम करो, जब मुझ हुसैन को सलाम करो, अगर न चाहते हुए तेरी आंखों में आंसू आ जाएं। फरमाइए मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया है। एक बार बंदा चाह के रोता है आंसू निकले, एक बार नहीं चाहता नहीं है, खुद ब खुद आते हैं। ये कैफियत जब मैंने मजलिस में पढ़ी तो एक मोमिन ने बयान की, कहा मौलाना मैं पहली मर्तबा जब करबला गया, कहता मैंने हुसैन की जरी को देखा रोया, गंजे शहदा को देखा रोया, जरी को बोसा देकर हबीब की जरी तक पहुंचा, बोसा दिया रोया, लेकिन ये रोना था चाह कर रोना। कहते हबीब की कब्र से जरी से जैसे बाहर निकला, कहता सीधी तरफ एक जाली थी, हल्की सी लाल रोशनी थी, कहते गोया ये जाली मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। कहते मौलाना जब जाली तक पहुंचा, अब मुझे नहीं समझ आया मुझे क्या हुआ, जिस तरह बादल टूटते हैं और पानी बरसाते हैं, कहते मेरा दिल ऐसे टूटा और मैं इतना रोया कि शायद मेरा दिल फटने को था। कहते अब मैंने पूछना शुरू किया ये कौन सी जगह है जहां बंदे का कलेजा फटने को आता है, तो एक खादिम ने कहा ये वही जगह है जहां गला कट रहा था और 70 कदमों से बहन देख रही थी। ये रसूल हुसैन का मकाम है जहां बच्ची ढूंढते ढूंढते बाबा के जनाजे तक पहुंची थी। शुक्र खुदा करो इन करीमों के मानने वाले हो, दिलों को करबला ले जाओ और उसी खुलूस से इमाम हुसैन को सलाम करें जिस तरह सैयदा ज़ैनब ने सलाम किया था। ज़रूरी नहीं आँखों से आंसू आने के लिए कोई लंबे मसाइब पड़े जाएं, मारिफत इमाम हुसैन हो तो एक जुमला भी काफ़ी है। सब अपने आका को सलाम करें और उसका सवाब इस जवान मरहूम की रूह को बख्शें कि खुदा उसे आलम बरज़ख में अपने आका हुसैन का जवार नसीब करे। अस्सलाम अलाल हुसैन व अला अली अबनाल हुसैन व अला औलादे हुसैन अला सहाबे हुसैन। सब मिलके अस्सलाम अला अला अली अबना, आवाज़ थोड़ी बढ़ा दें, औलादे हुसैन अला सहाबे हुसैन की सदा बुलंद हो। अस्सलाम अला अला अली अबनाल हुसैन
وَعَلَى صَحَابَةٍ